देखिए अभी अभी सलमान खान के मुलजिम बयान शुरू हो चुके हैं, उससे पहले इस केस के अंदर एक और आरोपी थे दुष्यंत सिंह, उनके उनसे सवाल पूछे गए थे, उनसे गवाहों के विटनेस के आधार पर 58 सवालों की एक लिस्ट दी गई थी। वो सवाल की जिरह करने के बाद में अभी सलमान खान से पूछा गया, सबसे पहले सलमान खान से अपना परिचय पूछा गया, उनका नाम पूछा गया, उनका पता पूछा गया और उसके बाद में सवालों की एक लिस्ट तैयार कर रही है। इस केस के अंदर 51 गवाह थे जिसमें से 28 के जो गवाही हुई है उनके आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई सवालों की सूची। इसके अलावा जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके आधार पर जो सवाल बन रहे थे पूरी एक लिस्ट तैयार की गई। वो लिस्ट जो जस्टिस हैं उन्होंने वो एक एक सवाल पढ़कर अभी सलमान खान को सुना रहे हैं कि आप पर 100 आरोप है, इस गवाह ने आपको लेकर ये कहा, आपका क्या कहना। सलमान खान जवाब दे रहे हैं, अभी तक जो तकरीबन 4 सवालों के जवाब दे चुके हैं उसमें उन्होंने उन आरोपों को नकार दिया जो उन पर लगाए जा रहे हैं, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इसमें खास तौर पर जो विटनेस है इंपॉर्टेंट है कि उनके जो जिसमें जो इंपॉर्टेंट विटनेस है पूनम चंद बिश्नोई, जो सस्पेंडेड है, जिन्होंने कहा था कि सलमान खान को उन्होंने जिप्सी में शिकार करते हुए देखा था और उनके हाथ में बंदूक थी और उन्होंने देखा था कि सलमान खान ड्राइव कर रहा था कार को और उन्होंने फायर किया था जिसमें से एक काले हिरन की मौत हुई। इसके बारे में जब सलमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरोप बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से जो जांच अधिकारी है उनका सवाल सलमान खान से पूछा गया, तो तमाम इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, तो ऐसे में साथ ही सोनाली बेंद्रे, तब्बू और सैफ अली खान भी वहां पर पहुंचे हैं, उनसे संबंधित फिलहाल क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस वक्त दर्शकों को? देखिए बिल्कुल इनसे भी पूछा जाएगा। इस केस के अंदर से आरोपी है तब्बू और सोनाली बेंद्रे और नीलम, ये लोग से आरोपी है और इनसे सवाल पूछा जाएगा सैफ समेत कि आपने क्या एक सवालों की लिस्ट बना रखी है जो तकरीबन 55 से ज्यादा सवाल इनके लिए भी है। इसमें इनसे पूछा जाएगा कि क्या जो गवाहों का विटनेस का कहना है कि आप उस दौरान जीप में सलमान के साथ थे जब शिकार करने गए थे और क्या आपने सलमान खान को उकसाया शिकार करने के लिए, यानी कि गोली चलाने के लिए हिरन पे, काले हिरन पे, तो ये सवाल इनसे पूछे जाएंगे। इसमें इनका जवाब क्या होगा, अब इनके सामने मौका है। जैसे कि अगर कहते हैं कि नहीं हमें ये आरोप स्वीकार नहीं है, गलत लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में इनको एक और मौका भी दिया जाएगा सभी को कि क्या आपकी ओर से कोई गवाह पेश करना आपको या फिर आपकी ओर से कोई डॉक्यूमेंट पेश करना, अगर उसमें अगर ये कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में ये पूरा केस फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए अगली तारीख को जा सकता है। जी जी भवानी, इन सब के अलावा 51 साल के सलमान खान का सुपर स्टारडम आज भी कायम है। अभी हाल ही में उन्हें कुछ दिन पहले ही आर्म्स एक्ट के मामले में बरी किया गया है, ऐसे में जो बचाव पक्ष है वो किस तरह उम्मीद कर रहा है इस पूरे केस को लेकर? देखिए अब बचाव पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई खासतौर पर क्योंकि तीन केसों में बरी होना अपने आप में बड़ी बात है। टोटल 4 केस है, चारों एक दूसरे से लिंक है क्योंकि पहले सलमान खान एक चिंकारा का शिकार करते हैं 27 को, फिर उसके बाद में दूसरे चिंकारा का शिकार करते हैं 28 को, फिर उसके बाद में आर्म्स एक्ट का केस आता है और फिर ये काले हिरन का केस, ये एक दूसरे से लिंक है। जब दो केस में, चिंकारा के दो केस में जिनमें सजा हो चुकी थी उसमें बरी हो चुके, तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्म्स एक्ट का केस है जिसके अंदर अभी कुछ दिन पहले सलमान खान बरी हुए। जो आर्म्स एक्ट केस में आरोप है वो और जो इस केस के अंदर आरोप है वो लगभग सेम है। आर्म्स एक्ट के अंदर जो आरोप ये था कि आप मुंबई से जो हथियार लेकर आए थे उसके अंदर आपके पास में उनके लाइसेंस की अवधि पार हो चुकी थी। दूसरा एक आरोप उन पर था कि जिन जो हथियार लाए गए थे अवधि पार उनसे आपने दो काले हिरन का शिकार किया। इस केस के अंदर भी इसमें सिर्फ धाराएं अलग है। आप लगातार इस खबर को ट्रैक करते रहिए और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सलमान खान से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है, हम दोबारा आपके पास आएंगे और आज जोधपुर कोर्ट में किस तरह से अहम सवाल जवाब के बीच